70 साल का जतन 7 साल में पतन। 70 सालों में जो दर्द देश ने नहीं देखा वो मोदी सरकार ने दिखा दिया। आज देशवासी अपनी जिंदगी बचाने के लिए तड़प रहे हैं और ये भाजपाई हुकूमत सो रही है। कोरोना की दूसरी और कथित तीसरी लहर से जो कुछ बच जाएंगे वे बेरोजगारी और भुखमरी से मर जाएंगे। शहरी बेरोजगारी 12% को छू रही है तो गाँव में यह लगभग 7.5% है। देश की बात करें तो यहाँ भी 9% बेरोजगारी का आंकड़ा दिखता है। पीएफ के रूप में उम्र भर की कमाई जान बचाने में खर्च हो रही है। सिर्फ भोपाल में 40 दिन में 10,000 लोगों ने 19 करोड़ से ज्यादा पैसे निकाले हैं। अप्रैल महीने में 35 लाख नौकरियां छूटी हैं। देश में 700 से ज्यादा जिलों में से 533 में कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। 1/4 देश लॉकडाउन झेल रहा है। पिछले साल चाय वाले ने पूरा देश बंद कर दिया था। तब 10 मई को राष्ट्रीय बेरोजगारी 24% और शहरी बेरोजगारी 28% के करीब थी। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर चढ़े हैं। चौतरफा महंगाई की मार है। इन सब के बीच अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह सिलसिला पूरे साल बना रहेगा। असली बुलबुला 2022 में तब फूटेगा जब देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी होगी और बेचने को भी कुछ नहीं होगा। 2019 में भारत को $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने का जुमला फेंककर कुर्सी पर बैठा एक प्रधान फिलहाल नदियों में बहती लाशों को विकास की धारा मानकर चुप बैठा है। वाकई भारत की सांप्रदायिक आवाम को राज करने के लिए ऐसे ही अपराधियों की जरूरत है। अगर यह सब दोबारा देखना है तो 2024 में फिर एक बार उसी प्रधान को वोट दीजिएगा।